शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम मंच का अपने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के मानुनागरी मधुबन धार्मिक प्रभाग के प्रमुख ब्रह्मा कुमार राजयोगी वरिष्ठ भ्राता सौम्य मुस्कान धवल वेश धवल चरित्र धवल वाणी मीठी ओजपूर्ण मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से स्वागत और सत्कार का मौसम स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम एक और ऐसे व्यक्ति अगर ऊपर सूर्य है उसकी चमक है तो भारतीय संस्कृति के पुरोधा जिन्होंने 537 प्राचीन विद्या पर पुस्तकें लिखी उनकी किताबें पढ़ के लोग ज्योतिषी बन गए मांत्रिक बन गए तांत्रिक बन गए उनसे बहुत ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया बिल्कुल विनम्र कोई भी चाहे जब चाहे उनसे मिलने जाए जब चाहे साधकों के गुरु तांत्रिक गुरु के गुरु एक पिता समान सबको बराबर आशीर्वाद देने वाले सौम्य व्यक्तित्व का नाम एशिया मुकाम
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हिमालय शिखर गौरव के साथ सम्मानित सड़क पूजनीय आचार्य तांत्रिक आचार्य पंडित शशि मोहन महर्जी के बारे में है। मैं चाहूँगा कि अशोक भाई गुरु और अरविंदर जी सम्मान स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। ये 78 साल के जवान हैं, आज भी अनवरत लिखते हैं। अगर एक महीने में इन्होंने एक किताब लिखी हो तो 537 किताबें लिखने के लिए कितना समय लगा होगा, कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितना ज्ञान अर्जित किया होगा, कल्पना सफल की बात है। यहाँ देख रहे हैं रोशनी का चमत्कार, ऊर्जा का चमत्कार है, बल्ब, एयर कंडीशन, पंखे और क्या है, लेकिन ये ऊर्जा है का स्रोत और उसको यहां लाने वाला स्रोत तो ऊर्जा के बाहर है, सूर्य है, जल है, अग्नि है, ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन उन ऊर्जा के स्रोतों को समेट कर आप तक पहुंचाने वाला तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व जिनके अंदर देश मात्र की घमंड नहीं, प्रेम की प्रतिमूर्ति। आप बात करेंगे उनके पास बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे तो नॉर्मल सा साधारण सा आदमी है, लेकिन उनके भीतर छुपी हुई प्रतिमा भाव है और कुछ ही प्रतिमा। भारत वर्ष के ऊर्जा मंत्रालय के डायरेक्टर यानी निदेशक जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री भी उनकी सलाह लेते हैं कि अब ऊर्जा कैसे हम संरक्षित करें, फसल तक फैला सकें, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, हर तरह की ऊर्जा, उसके निदेशक, उसके डायरेक्टर स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा,
तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। गुरु, गुरु एक ऐसा शब्द है, गुरु मेरे भाई और गुरु मेरे हल्का कर दिया, अंधकार से जो रोशनी की तरफ ले जाए उसे कहते हैं गुरु। लेकिन वो होता है टीचर, टी को इंच करता है, टी आधा इधर आधा इधर बीच में डेटा, टी को इंच करता है, क्या सिखाता है कि जीवन में कैसे जिया जाए। लेकिन यहां टीचर नहीं, हम आपको मिलवाएंगे प्रीचर से जो फ्री प्रीच करता है। एक ऐसी महिला, सशक्त महिला, मानसिक रूप से भी आत्मिक रूप से भी, जो माउंट आबू की जाकर आई और वहां से उसने बहुत कुछ सीखा। और मैं यहां खड़ा हूं आज इस मंच पर, मैं उमेश भी देता हूं कि वो मेरा किराया खर्च करके मुझे वहां लेके गए। उस समय मेरे पास किराया भी नहीं हो रहा था, मुझे अपने साथ लेकर गए बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कई रिसोर्ट्स हैं इनके। इस महिला ने हर क्षेत्र में अग्रणी रहकर लेकिन कभी भी घमंड नहीं किया, जमीन से जुड़ी रही, पर्यावरण के प्रकार के अंदर हजारों लाखों पौधे लगा दिए, नाम नहीं कमाया कि मुझे नाम चाहिए। ऐसी महिला श्रीमती सुषमा बजाज जी हमारे बीच में है, बताऊंगा कि उन्हें आनंद है आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम एसोसिएशन की भी वाइस प्रेसिडेंट। हमारे बीच प्रेम की भाषा सिखाने वाली, सभी को प्रेम के समंदर में डूबो देने वाली, बहुत प्रोत्साहन हम देने वाले, खिलती हुई मुस्कान के साथ आपका स्वागत करने वाले वरिष्ठ राजयोगी बहन जी परमात्मा लखनऊ क्षेत्र से, लखनऊ क्षेत्र से आई है, लखनऊ क्षेत्र की संचालिका है राधा बहन जी। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। अपने हर्ष का मिलता कहीं अनंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, शुभ स्वागतम स्वागतम
शुभ स्वागतम। आज हम एक प्रेम का सम्मिलन सम्मिलन समारोह आपस में मनाने के लिए न ये ज्योतिष सम्मेलन है, न ये तंत्र का सम्मेलन है, न उसकी कोई चर्चा होगी। क्या चर्चा होगी तो प्रेम के बारे में, स्नेह के बारे में चर्चा होगी, आपस में दिल गिराने की चर्चा होगी। व्यक्तित्व हुए हैं अभी उनका नाम था बहलोल। बहलोल कहते हैं असा देखी काती अत घनी, असा देखी काती अत घनी जो दिख के दो गए, कोई भी तलवार या चाकू आप ले लें उससे किसी चीज को काटे, काती काट देती है, जो दिख के दो गए दो में बदल देती है। असा देखी काती अंत घनी जो एक के दो करे, बहलोल काती प्रेम की जो दो से एक करे। यानी बहलोल कहना चाहते हैं कि प्रेम की तलवार एक ऐसी तलवार है जो दो से एक कर रही है, और यहां सिर्फ प्रेम की तलवारें चली हुई है और चलाएंगे हमारी बहने हमारे भाई आप लोग आपस में मिले। इस कार्यक्रम को आज हम कर पा रहे हैं तो वाहन तो श्रेय है, या कानपुर के कल्याणपुर आश्रम की संचालिका का अगर आदेश ना होता, उनका स्नेह ना होता, उनका आशीर्वाद ना होता तो हम ये कार्यक्रम शायद नहीं कर पाते, आप लोगों को नहीं बता पाते। वरिष्ठ राजयोगी है आदरणीय भुवन बहन जी हमारे बीच में है, हम चाहेंगे कि उन्हें भी सम्मान। सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। कभी आपने चीटी की आवाज सुनी? चीटी की आवाज सुनी? बिल्कुल शांत होके बैठिए, मैं आपको चीटी की आवाज सुनाता हूं। सुनाई दी? नहीं सुनाई दी, लेकिन आप शांति पूर्वक बैठे क्योंकि मुझे भी चींटी की आवाज निकालने नहीं आती और मैंने भी कभी सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, यह आप लोगों ने मेरी बातों को प्रेम से सुना। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उस परमात्मा की याद करेंगे, दो मिनट के लिए उसकी याद करेंगे, उसके बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। राजा
योगी बनो राज योगी मेरे प्यारो बनो राज योगी राज योगी बनो राज योगी मेरे प्यारो बनो राज योगी राज योगी बनो राज योगी जिंदगी में परम शांति होगी मेरे प्यारो बनो राज योगी राज योगी बनो राज योगी मन का दर दमकने लगेगा आत्मचिंतन चमकने लगेगा मन का दर्पण दमकने लगेगा चमकने लगेगा योग पथ पर जरा चल के देखो सारा जीवन महकने लगेगा सारी काया हो सारी काया बनेगी निरोगी मेरे प्यारो बनो राज योगी राज योगी बनो राज योगी योग मानव को संयम सिखाता संतुलन आचरण में लाता योग मानव को संयम सिखाता संतुलन आचरण में लाता आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता योग महिमा मेरे प्यार बनो राज योगी जिंदगी में परम शांति होगी मेरे प्यार बनो राज योगी राज योगी बनो योग योग जोड़ जोड़ कर कहां ले जाना
राजाओं की तरह राजाओं का योग राजयोग की तरह मेरा दो ही रोके जा सकते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल प्रेम से शराब होते हैं जिनके लिए समस्त बुद्धि है दुख में सुख में गर्मी में सर्दी ऊंच में नीच में निर्धनता में अमीरी बीच में जो संतुलित हो जाते हैं मान में अपमान में यश में अवेश में चाहे कोई फूल फेंक दे और चाहे कोई ऊंट पर कीचड़ फेंक दे जो बीच की समस्त बुद्धि रखते हैं वो लोग राज्यों को प्राप्त किए हुए होते हैं और बाकी कर पा सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारों ने तो ये योग प्राप्त किया हुआ है लेकिन इन भगवे कपड़ों में भी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने वो योग प्राप्त किया हुआ है वो है अवधूत बाबा निरंजना देखिए बिल्कुल चुपचाप पीछे बैठे हैं इन्हें भी मंच पर आइए आशाओं के दीप जले विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले नया नहीं ये बहुत पुराना नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है एक जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं किसी धर्म संप्रदाय के लिए सबके लिए उसी के प्रति भारतीय संस्कृति के प्रति हमारे बाबा नरेंद्र नाथ जी अद्भुत चाहूंगा कि आप अपने हाथों को कष्ट एक बार जरूर दें और मंच पे इतने ज्ञानी ध्यानी विद्वानी महान आत्माएं सर्वश्रेष्ठ आत्मा है महान तो महान हो गए धर्मात्मा है वो भी छोटी चीजों सर्वश्रेष्ठ आत्माएं जिन पर पूरी पूरी प्रभु की कृपा है वो हमारे बीच में है तो हम चाहेंगे कि उनका स्वागत की स्वागत के लिए हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं हम चाहेंगे कि सभी मंचासीन व्यक्तियों को बैज लगाकर बुके देकर अन्य वस्त्र पहनाकर तिलक लगाकर स्वर्णिम भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का स्वर्णिम भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है सतयुग युगी देवी देवों का महाराज
पीछे अपना एक भारत मुस्का रहा। मधुरस छलक रहा है सर्वोच्च पद को प्राप्त राजीव को
प्रेम के सर्वोच्च पर तू है, हमारे बीच में रमन कुमार भाई रामनाथ जी जो हमारे सुने और यहां से ज्ञान लेकर जाए, यहां से ज्ञान लेकर जाए। आपकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ करना चाहिए। एक घंटा सुनने में ऐसा लगेगा जैसे कि एक क्षण बीता हो। उस क्षण को सुनने के लिए भाई को बता दूं कि मैंने दो तीन का सुना है, आप भी चाहें तो तीन में सुन सकते हैं। ताकि मेरे के आगे रहकर डाले के लट पे डालेंगे भाई रामनाथ जी भी रामनाथ खुल जाए उन्हें सुनते हैं और फिर उसके बाद रमन जी कहीं में आएंगे एक बार फिर जोड़ा था भाई। डॉक्टर अच्छी तरह से जानता है, फिर भी
कहते अरे ये दवाई ले लो, ये ऑपरेशन करो और 100 साल जिएगा। होपलेस को भी होपफुल बना। तो ऐसे मैंने डॉक्टर करते हैं हमने सुना था, देखा भी था। ऐसी एक योग्यता जो हमारे साथ इस हॉल में उपस्थित है, योगाचार्य वास्तु शास्त्री और जो बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, एक एक का ज्योतिष ऐसे बता करके होपलेस व्यक्ति आज भारत में इतने लोग हैं, उनके अंदर एक नया जान उत्पन्न हो। होपलेस बिल्कुल हम जी नहीं सकते, हमारे जीवन खत्म हो गया, ऐसे व्यक्तियों का ज्योतिष बताकर उनका जीवन का पुनरुत्थान करते। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अब भी 15 दिन पहले अमेरिका से एक भाई ने मुझे फोन किया कि मुझे एक ज्योतिष आचार्य ने ज्योतिषी बताया कि आप 2 दफ़ा शादी करेंगे। अभी तक उन्होंने शादी नहीं किया, नौकरी कर रहा अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो लगा ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल संभव ही नहीं है। और अमेरिका में गया, नौकरी किया, एक ऐसा परिस्थिति आई उसके सामने, बहुत व्यक्ति साधारण आध्यात्मिक, उनको लगा एक बहन को जेल में ले जा रहे अमेरिका। उन्होंने देखा, उनको लगा कि मुझे उनको मदद करनी चाहिए और उनके संबंध में आते ही उन्होंने कहा भाई साहब आप मुझे बचाओ, आप मेरे लिए कुछ दया करो। उन्होंने कहा अवश्य वचन दिया मैं आपको इससे बचाऊंगा। और उन्होंने हर प्रकार के प्रयत्न करके उनको जेल से छुड़ाया। छुड़ाने के बाद ऐसे संबंध हो गया कि उनको अमेरिका में रहना है 6 महीने के बाद। तो जरूर उन्होंने प्रस्ताव रखा आप मेरे से शादी। मैंने कहा ये तो संभव नहीं। तो ऐसी उनके सामने परिस्थिति आई तो उनको कल अमेरिका छोड़ना, तो क्या करें। तो रजिस्टर ऑफिस में जा करके रजिस्ट्री कर लिया और दूसरे कंपनी वाले ने उनको इन्वाइट किया तो वहां जाके नौकरी में रखने लग गया। एक साल के बाद और एक ऐसी जगह पर फंस गया कि दया धर्म के लिए उनके अंदर कोई और लक्ष्य नहीं है कि मुझे अमेरिका में रहना है। भारत में भी मेरे पास उन्होंने कहा मुझे 1000 कंप्यूटर सेल किया, बहुत बड़ा कंप्यूटर का इंस्टीट्यूशन चला सकता है। तो वो और एक जगह ऐसा लगा किसी को मदद करने गया और दोबारा उसको ऐसे लगा कि रजिस्ट्रार के पास जा करके उनके कारण उनको बचाने के लिए उनको शादी करना पड़ा। तो उनको अभी मुझे लिखा है कि ज्योतिष आचार्य जो है जो बताते हैं, तो मुझे कितना 10 साल के बाद पूरा विश्वास हुआ, ये असंभव समझ रहा था मैं तो संभव है। तो कभी कभी विचार करते ज्योतिषी क्या बता सकते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे मेरे जीवन में भी आया, महाराष्ट्र में हमें हमारी कंपनी चलती थी, एक ज्योतिष आचार्य ने कहा ये दीवार आप निकालेंगे, ये दीवार निकाले थे 1 करोड़ रुपीस खर्चा लगता है। हमें कि साधारण व्यक्ति क्या कह रहे हैं, उनके उन्होंने कहने से क्या हमें दीवार निकाल सकते हैं क्या, नहीं सुना नहीं। 6 महीने के अंदर मुख्य जो डायरेक्टर और एक था उनका, एक लड़का इंजीनियर पढ़ता था 20 से 25 साल का था, मोटरसाइकिल का जाते जाते एक्सीडेंट, तो भी हमको बुद्धि नहीं आई कि कुछ करना चाहिए, उन्होंने कुछ कहा था सोचा नहीं। और 1-6 महीने के बाद दूसरा एक लड़का पढ़ रहा था छोटा, वो भी पिताजी ने चाबी अपने तकिया के नीचे रखी थी उठा करके लेके गया, वो भी खत्म। तीसरे 15 दिन के अंदर ही जो इतना बड़ा गुड़ाम था, गुड़ाम को आग लग गई। तब समझ में आया कि एक साधारण व्यक्ति ने कुछ कहा था, कुछ सोचना चाहिए। तो देख लो पिलर लगा के दीवार निकाली, उसके नीचे एक बॉडी को पार्सल हो गया, किसी ने बरी किया होगा। कभी कभी हमारा विश्वास नहीं होता, कुछ होने के बाद कुछ पता चलता। तो मैं तहे दिल से जो आचार्य यहाँ बैठे हैं ज्योतिषी लोगों को बताते हैं, उनकी जीवन की कहानी बताते हैं, तो मुझे लगा होपलेस वालों को भी जीव मनुष्य के जीवन में ऐसा होप पैदा करते हैं उनका पुनर्जीवन जीने के लिए। उनको तुम्हारा दोबारा उनके बताया कि मुझे इस जीवन में जीना है, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस। तो लगता है कि भारत के अंदर अभी भी ऐसी विद्या है, ऐसे हम कभी कभी ये तंत्र मंत्र कहते हैं। हम बचपन में था, बिल्कुल 6वीं क्लास में पढ़ता था, एक
कथाकार आए थे हमारे घर में, उन्होंने मुझे कहा एक मैच बॉक्स की कार्ड ये निकाली खेली, कहा इनके तीन टुकड़े कर, हमने तीन टुकड़े करके रख दिया। अरे आपको टुकड़ा करना नहीं आता है, हमने कि किया ना, देखो देखा एक फिर से करो, फिर से मैंने तीन टुकड़े करके रख दिया, एक सेकंड में फिर से एक। तब भी मुझे समझ में आया कि भारत के अंदर ऐसी कला, ऐसी वेद शास्त्र के अंदर मंत्र है, वो कुछ कलाएं हैं, सिर्फ हमें उनको समझना है। नहीं तो आज हमारा विश्वास हो गया साइंस, साइंस सब कुछ करता है, लेकिन भारत के अंदर एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस है, उसके अंदर एक ऐसी शक्तियां हैं, सिर्फ उनको समझ कर हमें आत्मसात करने की जरूरत है। तो इसलिए आज सभा में उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी ने आकर के ये सभा को आज बहुत सुंदर एक दिशा दिखाया कि हमें क्या करना चाहिए संसार में, किस प्रकार के अवरोध को जीने की कला सिखाई। लेकिन मेरे मन में एक विचार और आया कि इसी से सब कुछ नहीं है, इसके बाद एक आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। इसलिए वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी है, सारे विश्व के एजुकेशन के पॉलिसी बनाते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। तो आप पूछेंगे आध्यात्मिकता क्या है, इतना सिंपल है। तो मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने के बाद यह समझ लिया, हमको दो हाथ जोड़ने में कितना समय चाहिए, एक भारत देश में कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता, दो हाथ जोड़ता, सारा विश्व एक हाथ जोड़ता। तो ऐसे भौतिक है, ऐसे ही शरीर के अंदर भी हमको शास्त्रों ने सुनाया प्रकृति और पुरुष दो शक्तियां, फिजिकल एनर्जी एंड मेटाफिजिकल एनर्जी। प्रकृति है, प्रकृति को चलाने वाला कौन, पुरुष आत्मा, आत्मा का ज्ञान। इस आत्मा के अंदर भी दो शक्तियां, एक मन और एक बुद्धि। मन सोचता है, अच्छा गलत विचार आता है, मन चंचल है, लेकिन उसके ऊपर एक बुद्धि है, वो कहती है यहां बैठ के ये विचार नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे माँ बच्चों को पढ़ाती है, गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है, टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है। अगर मेरे मन मन में किसी को देखकर गलत विचार आया तो कौन पढ़ाएगा उसको। दुनिया में ज्ञान बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ा है मैंने, जानता हूं मैं, सुना भी है। अगर आज मेरे मन में यहां बैठे हुए कुछ गलत विचार आया और मैं नहीं चाहता हूं इसे सोचना, तो मेरे मन को कौन समझाएगा। तब दुनिया में तंबाकू क्यों आया, शराब क्यों आया, कि मन को आपको दमन करना सिखाया, मन को कंट्रोल करो, नहीं, मन को समझाओ, अमन करो, तो कौन समझाए। तब बात आई बुद्धि का ज्ञान। इसलिए गीता में कहा है अर्जुन, सुख और दुख, सत्य और असत्य, कौन ठीक कौन अलग कर सकता है, जिसके पास बुद्धि है। जिसके पास बुद्धि नहीं, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करता, सत्य क्या है असत्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब का मैं आपको दिन में दृष्टि देता। तो भगवान वो है जो सत्यम शिवम सुंदरम कहा, भगवान इसलिए चाहते हैं, जैसे माता जी मंदिर में जाती है, भगवान इस बच्चे को सब बुद्धि दे दो, मन दे दो नहीं कहता। अगर हमारी बुद्धि स्वच्छ दिव्य है, हमें संसार में चलते हुए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है समझ में आ। तब कहते हैं सोच समझ के कर्म करो, वो कर्म श्रेष्ठ है, वो कर्म आज भी कल भी वर्तमान में भी भविष्य में भी हर एक को सदा ही सुख देगा। अगर सोच समझ के कर्म नहीं करते हो तो कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, अरे मैंने क्या पश्चाताप करके कोई फायदा नहीं, कर्म हो गया तीर निकल गया, उसके लिए कुछ भी कर नहीं सकते। तीर छोड़ने से पहले, कर्म करने से पहले सोचना जरूरी है। तो वो ये विद्या इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में साधारण शब्दों में है,
अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करना चाहते हो, औरों को सुख देना चाहते हो, औरों के जीवन में सुख शांति देना चाहते हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है। सभी शास्त्रों का निचोड़ भी एक ही है, औरों के प्रति शुभ सोचो, थिंक पॉजिटिव। अभी भाई जी कहेंगे, भाई जी मुझे मेरे इन्होंने पैसे दिया था, देखा ही नहीं है, बहुत गुस्सा करते हैं, और आप कहते हैं इनके लिए शुभ सोचो, कैसे सोचो, संभव है? अगर कोई मेरे, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उनको मदद किया, 1,00,000 रुपए दिया, कल देता है कहा, आज 1 साल हो गए पैसे भी नहीं देता है, मिलता भी नहीं है, और उल्टा और भी बोलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या हम शुभ सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, बताइए, सो सकते हैं? नहीं सो सकते। वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग है। आप पूछेंगे कि आप सोच सकते हो? नहीं, मैं भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मुझे पता है ये भाई जी है, ये बहन जी है, मैं भी नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग। सिर्फ एक ही दिन आप करके देखना, आज रात को आप सोएंगे, देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएगा। अगर डॉक्टर के पास जब आपको, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुरंत एक्सरे निकाल के आपको दिखाता है, शुगर का लेवल कितना है, बीपी कितनी है, तो कैसे कहेंगे ये पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा, ये देव आत्मा, कैसे कहते हो आप? किस आधार से कहा? हर चीज का मापदंड है। आप भी अपने आप को देख लो, यहां बैठे बैठे मैं कौन सी आत्मा, तब कहते दुनिया में मुकड़ा देख लेता है, तो कैसे देखे? ये मुकड़ा को आईने में दिखाई देगा, आत्मा का मुकड़ा कैसे दिखाई देगा? जब हम रात को आंखें बंद करके सोते हैं, स्वप्न कहां से आते हैं? दिन में ये भाई ठीक नहीं, ये भाई ठीक नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, रात को हम आंखें बंद करके सोए, न सुनते हैं न देखते हैं, स्वप्न कहां से? तब कहा कि आत्मा जब इस शरीर में जन्म लेता है, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड में जो जो कर्म करता हूं, हर सेकंड हर कर्म मेरे अंदर संचित होता है। तो आज तक मैंने इस शरीर में रहकर क्या क्या कर्म किया, वो सब भरे हुए अंदर, जब रात को सोते हो सामने दिखाई देता है, फिर मन में विचार आता है, मन खराब नहीं, मन अशांत नहीं है, ये मन में विचार कहां से आया? जो मैंने अंदर भरा है मन में विचार के रूप में आता है। तीसरा, बच्चा जन्म नहीं लग रहा, अंधा काला गोरा गरीब कौन कर रहा है? तब हम कहते मानते हैं कि कर्मों की गति अति दूर है, चाहे लाख करो चतुराई लेप मिटे नारे भाई, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद इतना सिंपल राज जो है, कुछ नहीं करना, 23 घंटा जो चाहे कर लो, सिर्फ एक थोड़ा सा समय, 1 घंटे में एक व्यक्ति के लिए, सवेरे उठते ही किसी को देखते ही इतना काम करो। हाँ, भूख खराब है, ये शास्त्रों ने कहा अधम के अधम महापापी है, तो भी पत्थर मारना चाहिए। धर्म का मूल है दया क्षमा, दया क्षमा कैसे करो भाई? देखते ही भगवान वसुधैव कुटुंबकम, एक खुदा के बंदे हैं, एक भगवान के बच्चे कहते हैं, लेकिन आचरण में नहीं आ रहा। किसी के ऊपर नजर जाते ही देखते ही भगवान कौन प्रश्न आएगा, फिर डॉक्टर कौन? जो शरीर की बीमारी ठीक करता है उसका नाम डॉक्टर, आत्मा की बीमारी जो ठीक करता है, पतित आत्मा को जो पावन करता है उसका नाम परमात्मा, और उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम का, गॉड इज ट्रुथ सत्य। तो रस्ते पर चलते हुए किसी पर नजर गई, कोई भी हो, देखते ही वो हमारा बाप है, शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण, इस आत्मा को सब बुद्धि, इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ। 1 घंटे में एक व्यक्ति के लिए सोचो, एक एक बूंद एक एक घंटे में इकट्ठा करो, आज रात का ग्लास भर जाएगा। आज रात को सोएंगे आप करके देखना, 1 महीना 1 साल देखा, एक ही दिन एक भी बुरे स्वप्न नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है,
ये विधान है, जैसे सोचेंगे वैसे बदलेंगे। हम कहते हैं और शुभ सोचो, ठीक पॉजिटिव, हाँ हमने सोचा, हमारे पास तो ताकत थी, लेकिन हम भगवान के पीछे, कोई रावण का बच्चा नहीं। सब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फैमिली, एक परिवार। हमारे माँ बाप हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, पिताजी के जेब में हाथ डाल सकते हैं, लेकिन भाई जी के जेब में हाथ नहीं डाल सकते, पिताजी की अमानत नहीं है। तो किसी पर नजर गई, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना कहते हैं, बहुत कुछ काम है सिंपल भाषा में, और उनके प्रति शुरू सोचे। और मैं नहीं सोच सकता हूं शिव बाबा ये आपका बच्चा है। अगर इस सभा में देखो छोटा सा बच्चा खुद आवाज करता है, हमने दो तीन दफा का बच्चे छुप बैठो नहीं सुनता, क्या करेगा, मारेंगे, गुस्सा करेंगे। माता जी देखिए, माता जी आप अपने बच्चों को सम्मानो, माँ का सुनेगा, माँ उसको अपनी गोद में लेके बैठेगी। तो हमारे माँ बाप है सिर्फ विश्वास की बात है, हर कदम पर अगर उसकी स्मृति में रखकर अगर आप कदम रखते हो, तब अर्जुन को कहा है अर्जुन मेरे मत पर चलो, विजय निश्चित है। अगर मेरे मत पर नहीं चलते हो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्य। इतना सहज मार्गदर्शन भारत के शास्त्रों में है, आध्यात्मिकता में है, खास करके जो साधारण भाषा में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कितना निचोड़ के मक्खन के रूप में दिया। जैसे अभी महात्मा जी कह रहे थे रामायण, हमने बचपन में रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, गीता पढ़ा, सब पढ़ने के बाद समझ में आया कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर आप अपने कर्मों में कुशलता चाहते हो, कर्म श्रेष्ठ करना चाहते हो, स्वयं को औरों को सारे विश्व के आत्माओं को सुख देना चाहते हो, कर्मेषु कौशलता, कर्मों के अंदर कुशलता चाहिए, परफेक्शन इन प्रोफेशन, पढ़ाई के अंदर कोई भी काम करो, और यहाँ इतना सहज राज्यों के पौरे आप अपनी एक ध्यान से कर्म करो, एकाग्रता से कर्म करो, नहीं तो कर्म करते करते इधर उधर देखेंगे, कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा। कोई भी काम करो ध्यान से, एकाग्रता से करें, वो कर स्वयं को भी सुख देगा, औरों को भी सुख देगा, स्वयं भी जियो औरों को भी जीने दीजिए। तो ये सब ऐसे कर्म आप हमारे बड़े आचार्य ज्योतिष आचार्य वास्तु शास्त्री, एक जो लोगों का मैं देखता हूँ जीवन में क्या क्या हुआ है, तो वास्तु का जो जानने वाले बाप में बड़े भाई है, उन्होंने ऐसे चमत्कार किया है, मैं आपको बताऊं इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर कभी कुछ होता है, ऐसे वास्तु शास्त्रियों को बुलाते हैं, उन्होंने कहा ऐसे नहीं ऐसे क्या से क्या कर सकते, ऐसी शक्ति आज भारत के आध्यात्मिकता के अंदर है, सिर्फ उसको हमें अपनाना, अपने आचरण में लाना, सिर्फ सुन करके रखने से फायदा नहीं तो कहा शास्त्रों में विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, एक क्रोध को भी जीता नहीं। तो साधना करने की विधि चाहिए, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, अगर विधि नहीं है हम बहुत मेहनत करते हैं प्राप्ति नहीं है। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, संसार में रहो, औरों के प्रति अच्छे कर्म करो, औरों को सुख देने का मार्गदर्शन करो, उसके साथ साथ स्वयं की उन्नति के लिए 5-10 मिनट आध्यात्मिक ज्ञान चलो। ऐसे मैंने अपने जीवन से देखा, अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, डनलॉक गद्दी है, एसी कमरा है, सब कुछ है, नींद कहां मिलती है, कहीं मार्केट में मिलेगी, अगर मैं गलत कर्म करके शांति से सो सकता हूं, तो कर्म श्रेष्ठ करने के आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर भी एक बात बताया आपको, चाहे रास्ते पर चलो, संसार में भी, घर में, सवेरे उठते ही बच्चे हैं, बहू है, आपकी युगल है, परिवार है, सबको देखते ही सवेरे उठते ही शिव बाबा भगवान ये सब आपके बच्चे, ये सारी संपत्ति आपकी मेरी नहीं, हम जाते समय कुछ भी नहीं रह जाएंगे, सिर्फ मैंने किए हुए कर्म हमारे साथ जाएंगे,
बाकी सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना, तो ऐसे कर्म की पूंजी जमा करो, उसको कहते दुआएं जमा करो। वो दुआएं ही हमारी अमानत है। मेरी प्रॉपर्टी कितनी है? जितनी मैंने औरों को सुख दिया है, जितने मैंने दुआएं कमाई, तो वो मेरी अमानत है। ये दुआएं कमाने का इतना सहज मार्ग नहीं, जैसे आपका कि औरों के प्रति शुभ सोचो, कहना बहुत सहज है, लेकिन वहां प्रैक्टिकल जब परिस्थिति आती है तब पता चलता है हम कहाँ हैं, हमारे अंदर वो ताकत कहाँ है। तो वो ताकत सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं आएगा, कुछ साधना करने से। और उसके लिए आपको 24 घंटे नहीं, 23 घंटे आप जो चाहे करो, सिर्फ सवेरे या शाम आधा घंटा हर जगह पर नजदीक ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कोई खर्चा नहीं, 5 मिनट अगर आध्यात्मिक ज्ञान सुनो और देखना, एक हफ्ता सदा नहीं, एक हफ्ता सुन करके देखना, अगर आपके जीवन में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो सदा करो। अगर नहीं दिखाई दिया, इट इज स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय विल। आध्यात्मिक जीवन एक दबाव प्रेशर से नहीं है, स्व इच्छा से चलने का रास्ता है। तो अपने को प्राप्ति को देखकर हमें निर्णय करना, किसी ने कहने से नहीं, किसी ने कहते एक दिन दो दिन करेंगे, अगर अपने अनुभव से कुछ करते हो, जब तक इस जीवन में श्वास है तब तक करेंगे, अंत तक निभाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा पुनः निमंत्रण निवेदन है कि 24 घंटा आप धर्म कर्म करते हो, बहुत अच्छा है, सराहनीय है, औरों को सुख देने के करते हो, होपलेस वालों को होप देने का कार्य करते हो, लेकिन उसके साथ स्वयं को सशक्त बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाना जरूरी है। ऐसा मेरा दिल का आवाज आपके सामने रखा, अगर योग्य लगा, सही लगा तो आप लेके जाइए, अगर सही नहीं आई तो छोड़ के जाए। कि मनुष्य को इंग्लिश में कहते हैं यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए क्रूर मैन। एक क्रूर प्राणी को आप प्यार करो वो कभी भूलेगा नहीं, एक मनुष्य को आप कहेंगे इनको तो बुद्धि भी नहीं है, समझदार नहीं है, एक दिन आपको लुटा के जाएगा। क्यों? मनुष्य के पास एक बुद्धि है, उसको कोई पढ़ा नहीं सकता है, उसने अपने आप में समझ करके रियलाइज करके अपने आप को परिवर्तन कर दिया। इसलिए कहा दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ऐसे अगर आप सब मिल करके ऐसे कुछ साथ दे करके कुछ कर्म करें, जैसे एक कॉन्फ्रेंस बना के दिखाया, ऐसे हजारों कॉन्फ्रेंस ऐसे होना चाहिए। भारत में बहुत क्योंकि ज्योतिषी योगाचार्य है, एक देखो रामदेव बाबा ने क्या कमाल कर दिया, सारे भारत के अंदर जो सुस्त हो गए थे उनको चुस्त बना दिया, सशक्त बना दिया। तो ऐसे क्रांति करने आध्यात्मिक ज्ञान में हर एक व्यक्ति के अंदर ये ज्योत जगानी है, लेकिन अकेले का काम नहीं है। 10 ही अंगुली मिलेंगे तब नमस्ते होता है। आप सबके सहयोग से ये भारत को हम दोबारा स्वर्ग बना सकते हैं। भारत सोने की चिड़िया थी, देव भूमि थी, देवताएं थे यहाँ। तो फिर से मनुष्य आत्मा के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान भर करके हम भारत को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता, मेरा विश्वास है। आप सबका सहयोग मिलेंगे तो जल्दी हो सकते, आप सब सहयोग देने को तैयार हो, जो समझते हम भी आपके साथ है वो हाथ उठाओ। देखो धन्यवाद, ओम शांति। उस विशेषता को देखते हुए ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन इंडिया वालों ने इनको
भारतवर्ष में इस तरह की पहली रामायण लिखने पर इनके लिए पुरस्कार भेजा है। कृपया पुरस्कार शर्मा जी भी मंच पर आ जाए और हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय के हाथों में ग्रहण मिले बड़ी अच्छी बात होगी। और जब इनको मेडल मिल रहा हो तो आपकी तालियों की गूंज ना रोके, उस समय अभी रोको, अभी रोको। Thank you.
ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी हमारी जनकारिक संचालिका ब्रह्मा कुमारी गोमती नगर लखनऊ से हमारे मिलते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान का संदेश दिया है, प्रेम का संदेश दिया है, उनके लिए भी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा बहन जी संचालिका ब्रह्मा कुमारी कल्याणपुर कानपुर श्रीमती सुषमा बजाजी।